कुछ यादें हैं भूले बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोशन अब्बास और इस शो में आप लोगों का खैर मकदम करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको यहां पर देखकर, इन लोगों को यहां पर देखकर एक चीज का मुझे ध्यान होता है कि जिंदगी में कभी कभार लगता है कि कोई ऊपर बैठा पासा चल रहा है, ऐसे खेल रहा है हमारे साथ, और पासा क्या चाल चला देता है पता नहीं लगती, पर कुछ लोग तकदीर के ऊपर ही पासा पलट देते हैं और जो भी तकदीर उनके रास्ते में चीज करती है वो बस उसे ठोकर मारते, अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। और ऐसे ही जीवन को हम लोग कहते हैं जीना इसी का नाम। आज जो हमारे बीच यहां पर आने वाली हैं उनसे बड़ी मिसाल इसकी कोई नहीं हो सकता। सचमुच जिंदगी को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो ये है। इनका नाम आज हर इंसान जानता है, इनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन हम इनके रूप को नहीं, इनको जानना चाहते हैं। कौन है ये, चलिए साथ में देखते हैं। मैम, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं वहां पर आपको देख रहा था और मैं कह रहा था कि देखिए कितनी खूबसूरत लगती थी, और अब देखिए कहता हूं कि और भी खूबसूरत लग रही है। नो रियली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको दावे से कहता हूं, आज आप हिंदुस्तान के किसी नामचीन मार्केट में जाइए और कहिए भाई वो जरा सुधा जी वाली बिंदी देना या उनके वाले स्टाइल की ड्रेस देना, इन्होंने अपना आई थिंक आप फैशन स्टोर भी आप खोली। ओह माय, सीरियसली जरूर सोचूंगी रोशन। मैम आप, बिकॉज एक आपका अंदाज है जो मुझे लगता है कि जिंदगी को खुले दिल से जीना और अपनी एक पहचान बनाना अगर कोई किसी से सीख सकता है तो वो इनसे सीख सकता है। थैंक यू सो मच रोशन। कौन मानेगा कि इनकी जब शुरुआत हुई थी, मतलब जिंदगी की जब शुरुआत हुई थी, तो इनकी मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, राइट? बिल्कुल। तो क्या था, क्या मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी आपकी? हाँ, मेरी माँ थोड़ी बहुत तो स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में दो ही प्रायोरिटीज थे, एक डांस दूसरी पढ़ाई, दोनों में सेकेंड पोजिशन में आप आ ही नहीं सकती। शी सेज कि मैं घर का सारा काम मैं कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ दो काम करने हैं, एक डांस और एक पढ़ाई, अगर इसमें भी तो नंबर वन नहीं बन पाई तो फिर घर का काम तू कर, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। एक बार आप सेकंड आई थी तो उनको इतना गुस्सा आया था कि आपको घर से बाहर कर दिया था कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल, आई रिमेम्बर दैट डे, क्योंकि मैं स्कूल से आई, वैसे रिपोर्ट कार्ड लेते वक्त ही मुझे लगा कि आज तो एंट्री बंद है, नो एंट्री है, फिर भी मैं गई और मैंने कहा यू नो मम्मी आई एम, बस सिर्फ 0.% का फ़र्क है। शी सेड फर्स्ट तो नहीं आई ना, रिपोर्ट कार्ड में सेकेंड है ना, वेट आउटसाइड, डैडी तुम्हें अंदर लेंगे तब घर आना। और मुझे याद है 2 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं अपने पिता का इंतज़ार करती रही। जैसे वो आए मैंने कहा मम्मी इज़ नॉट अलाउइंग मी इनसाइड। शी सेड व्हाई? आई सेड नो आई हैव स्टूड सेकंड। शी सेड सो व्हाट, किसी ना किसी को तो फर्स्ट आना ही है, तुम नहीं आए हो तो कोई और सही। सो आई थिंक दैट इज़ द वे माई मॉम वॉज, बट ऑल दैट आई मीन विथ ऑल दैट वी लव्ड हर। बचपन की बात करी थी तो कुछ यादें हम लोग ताज़ा करते हैं यहाँ पर। So cute, my cousin Das.
बचपन के दिन थे और अब मुझे लगता है कि एक उसमें जो मुद्रा थी ना जो दिखी थी ये करके उसमें मैं थोड़ा घबरा गया था जो रमोला सिकंद में दोबारा दिख गया था। अब स्कूल की बात हुई, दोस्तों भी बहुत बनते हैं, उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे, हमने कुछ लोगों को यहाँ पर बुला रखा है क्योंकि भाई इन्हीं की जबानी नहीं सुननी इनकी कहानी, ये कहानी तो इनके दोस्त सुनाने वाले हैं हमको। तो चलिए किसी को बुलाते हैं जहां पर आए हुए। आप वेट करिए, आइए भाई प्लीज। चाइल्डहुड दोस्त थे इनकी उमा गाडगिल। उमा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, फील एट होम। इट्स उमा, यस, सारी बातें इनकी बता दीजिए। ओ माय गॉड, प्लीज। डरपोक थी। डरपोक थी बहुत। कैसे मतलब? साइकिल लाती थी लेकिन चलाती नहीं थी, उसकी साइकिल मैं चलाती थी। शी वाज अ टॉमबॉय, टोटल टॉमबॉय थी। मतलब वो शॉर्ट्स पहन के पता नहीं क्या कसरत वसरत करने जाती थी, व्यायामशाला जाती थी। तो शी एंड ये भी करती थी। हां, शी यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। हां, मैं गोटी खेलती थी। गोटी खेलने का बड़ा शौक था। मतलब मेरे मतलब आजकल के कितने खुश हुए हैं हमारा हमारे आज का गोटी खेलने वाला जनरेशन कहता है कि मैं भी देखो कितना सक्सेसफुल होगा। कल अगर मम्मी ने रोका तो देखो ये सुधा चंद्रन भी खेलती थी। मुझे कुछ यादें यहाँ पर ताजा हो रही हैं, बहुत सारी बातें अभी भी करने को रह गई हैं। समय हमारे पास है इसलिए कुछ क्षणों के लिए छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो बातचीत शुरू करी, दोस्तों की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस यंत्र को इस्तेमाल करके कुछ और दोस्तों को यहाँ पर बुलाते हैं। बस एक इंसिडेंट बहुत गहरा कर गया है, वो है तुम्हारा एक्सीडेंट। तुम चली गई त्रिची, मैं चली गई कारवार, उसी बीच जो एक्सीडेंट हुआ और जिस तरीके से तुम उस पे से उभर आई हो, इट्स वन ऑफ द वंडर्स आई कैन से ऑन दिस अर्थ। And then later on, when I met with an accident, you were the one to sit beside my bed, hold my hand and say, "Mera to pair gaya hai, tera to haath abhi bhi aapke tere paas hai. So don't worry, don't give up hope and live life as it comes your way." Bhai, you know, aise conversations, baat humne kari thi, but कुछ चीजें उम्र के बाहर आ जाती हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना अपने अगले गेस्ट को यहां पर इसमें बुला लें। आइए प्लीज। You've got a notorious gang here. How are you? Wonderful. मेधा थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए। प्लीज बैठिए बैठिए। मेधा, व्हाट आर योर फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ हर? फॉन्डेस्ट मेमोरीज लाइक अभी देखो जूनियर केजी से साथ में हूं इसके, तो राइट अप टू द 10th स्टैंडर्ड आई हैव गॉट मेनी मेमोरीज अटैच्ड टू हर। एक बताऊंगी कि हम लोग 8th स्टैंडर्ड में थे एंड वी हैड जस्ट जॉइन क्लासेस फॉर एल्जिब्रा एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस रादर। तो जैसे क्लासेस में तो जल्दी जल्दी कोर्स होते जाता है, तो इन स्कूल व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू फिनिश लॉट मेनी एक्सरसाइजेस एंड कम टू स्कूल। दीज पीपल यूज्ड टू कॉपी ऑल दोज आंसर्स and when caught by the teachers I was the one who was first out. These people used to say nahi 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 hum logo ne kuch nahi kiya, Medha ne sab kiya, wo likh ke leke aayi, and the teacher used to take our books and tear all the pages, every little page, and I was the one all the punishments to be taken, and these people used to aaram se fir gaali dete the mujhe ki nahi tu bewakoof hai, tu ye hai, kyun karke aayi, and these also people used to do. Marathi ka period ho to like Marathi ke questions miss de deti thi upar, to bhai chalo ghar jaake homework karna to class mein hi kar lete hain. To ek friend thi hamari Swati Save, to uske paas hum log sab answers likh ke main kar leti thi, ye book mangti thi, ye yellow house mein to last seat pe, main green house mein to is taraf, आंसर्स छुपा छुपा के ले लेते थे, टीचर ने पकड़ा तो नो मैडम मेधा डिड द होमवर्क। माने आई वाज द लाइक यू नो एक कि भाई नहीं चलो जो भी है मेधा ने किया है, हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं है। अच्छा आप आजकल भी आर यू ऑल इन टच? और ऑफ कोर्स यस, बट शी इज एज शी इज ऑफ द जूनियर केजी, ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऑफ द 8th स्टैंडर्ड, ऑफ द 10th स्टैंडर्ड। जब टीवी पर इनको देखते हैं यू नो एंड इन्होंने कुछ जो किरदार करे हैं वो इतने प्रभावशाली हैं और द सेम टाइम जो है थोड़े नेगेटिव भी हैं, तो
बताइए जब दोस्त के बारे में अगर कोई कभी ऐसा कह देता है ओह माय गॉड कमाल गाइस लाइक दिस एंड व्हाटएवर, आप लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं? अब मेरे दो बेटे हैं, दे कॉल हर दीदी, तो वही खुद फोन कर लेते हैं, सुधा दीदी ये क्या है, कोई और मिला नहीं? सो दीज आर द रिएक्शंस इन द फैमिली ऑलवेज. इन्होंने कहा कि माय गॉड यू गॉट द होल गैंग टुगेदर. कुछ लोग मिसिंग लग रहे थे तो देखते हैं किसी और ने इनसे कुछ बात करी है. यहाँ पर हाय सुधा, नाइस टू सी यू. रिमेंबर द डेज व्हेन वी यूज्ड टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल एंड नॉट बाय एनीथिंग एल्स बट द जीरा गोली. रिमेंबर द स्मॉल शॉप वी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम एवरीबॉडी टू बाय दोस जीरा गोलीज. आई स्टिल मिस दोस जीरा गोलीज. Someday, I wish we all got together and contributed and enjoyed the Jeera Golis once again. Contribution. So true. मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर यू वर नॉट इन बॉम्बे एट दैट टाइम. नो, यू वर डाउन साउथ. या, और आप लोग एज फ्रेंड्स चंदन में छह छह सीट बुक करते थे मिलन उस जमाने का, पर फिल्म नहीं देखते थे या इनके लिए जगह रखते थे. क्या क्या थी ये कहानी? एवरी सैटरडे और थिएटर लक्ष्मी थिएटर था तभी पार्ला जी, में जी. और वेंकटेश था. सो दोस टू थिएटर्स वर बुक्ड फॉर 12 टू 3 शो फॉर अस. माने कुछ भी बहाना करना है, अगर एक्स्ट्रा लेक्चर है तो या इसने बीमार पड़ना है या मैंने बीमार पड़ना है, लेकिन पिक्चर जरूर देखनी है. बहुत आई थिंक वो जो समय होता है, वो जो लम्हे होते हैं, वो अपने आप में कुछ अलग से होते हैं. जब आप लोगों को पहली बार, यू नो, व्हेन शी वाज डाउन देयर एंड ये हादसा हुआ था, व्हाट वर योर फर्स्ट रिएक्शंस? व्हेन आई गॉट द न्यूज, गीता एंड मायसेल्फ वी वर टुगेदर सेइंग हाँ किधर हाथ पैर तोड़ के आई होगी. फिर उसका लेटर आया, देन वी गॉट, वी न्यू द सीरियसनेस एंड इट वॉज रियली शॉकिंग दैट टाइम. मैं कारवार में थी जब इसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसके मामा ने मुझे लेटर भेजा था रादर कि ऐसा ऐसा सुधा का हुआ है. तो आई तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट कुडंट बिलीव इट. आई टू वाज अलोन देयर, शी वाज इन हर पेन, तो लिटरली टीयर्स बर्स्ट आउट. एंड इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ दैट, इवन दो आई हैव नॉट सीन इट, टीयर्स रोल डाउन माई आईज. एक दोस्त के लिए उस समय आई थिंक आप सबकी मजबूरी होगी, लेकिन मन तो ये करता होगा कि पहुंच के वहां पर उसके साथ. जरूर जरूर, लेकिन हम वो नहीं कर पाए बिकॉज़ शी वाज फार अवे फ्रॉम अस. बट द लेटर्स यूज्ड टू कीप कमिंग रेगुलरली. या या, एवरीडे देयर यूज्ड टू बी अ लेटर फॉर मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स. और मुझे याद है चलने के लिए डॉक्टर डेरिक डिसूजा हु वाज इन विजय हॉस्पिटल, ही यूज्ड टू कीप दीज लेटर्स इन वन कॉर्नर ऑफ द कॉरिडोर. I says, come, 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 come. Your friends have written letters. They want to tell you what their boyfriends are doing. And your boyfriend is missing you a lot. Today, where I walk one step, every step of mine is a thanks to Derek. I mean, I'm not in touch with him. But I don't know. I mean, Dr. P.K. Sethi and Dr. Derek D'Souza, they are more important in my life than anybody else. Because my friends were my pillars of strength. And I remember when I came back, jab main Madras se aayi, there were eight of them waiting outside the Bombay airport. I didn't go there. They were all waiting. I didn't go. She didn't come at all. She didn't have the guts to come. She, Geeta, I had another friend, Shekhar, sab khade the airport mein, and when I walked out, I could only see those arms coming out like that, you know. So all I knew ki zindagi mein jo hua so hua, jab aise yaar dost hai, तो वॉट फेलियर्स इन लाइफ. चल सुधा आगे निकल. आई थिंक बहुत कम गिने चुने मेरे दोस्त हैं, चार या पांच, बट केजी से लेके आज तक हम सिर्फ ये पांच हैं, द फेमस फाइव. ऐसी दोस्ती ही शायद जो है वो कभी कभार आदमी के लिए जो होती है वो ढारस बन जाती है, सपोर्ट बनती है और आदमी फिर उभरता है. उन्होंने जैसे कहा कि यू नो, इन्होंने देखा उनको और इनके मन में वो हुआ कि चल आगे चल और जिंदगी को अपने तरीके से जियो. यही इन्होंने करके दिखाया है. जीना इसी का नाम है. मैं भी बहुत सारी और चीजें हैं जो आप भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं सुधा जी के बारे में, राइट आफ्टर दिस ब्रेक. जीना इसी का नाम है, जीना
जिंदगी के चंद लम्हे यहाँ पर हम गुजार रहे हैं सुधा जी के साथ, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बड़ी इवेंटफुल लाइफ को एक घंटे में समेटें। बड़ा मुश्किल होता है, दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं। ऐसी एक शख्सियत को मैं यहाँ पर इस समय निमंत्रण देना चाहता हूँ, आइए जी। Nice to meet you, my daughter. Tell me a little about Sudha as you How know. Much time you're going to give me? As much time as you want. Because I'm a true Mahesh Bhatt these days. Well, she's my daughter. She's the only daughter of mine. And till the accident took place, I thought I have achieved everything in the world. But before an achievement, I considered before my achievement was nothing. And I follow her path. And the daughter was to follow the path of the father. Now the father is following the path of the daughter. She is a great asset to me. It's a God's gift to me. And I'm very proud, besides she being an actress or a dancer, I consider her to be a ray of hope for the millions of handicapped around the world. I'm very proud of her. Because today, if you want to see something, you know, I remember incidents after that Mayuri film was released, and when she became known to the whole world, mothers used to bring the little girls home to take her autograph. I remember many girls telling their mothers, Mom, cut my leg because I want to be a dancer like Sudha Chandran. I think that is something very proud as a father. Because the girls thought that I think only after losing your leg you can dance. You see? And more than that, I'm very proud that her success story has gone to the school texts of all the state governments of the country. Even Jawaharlal Nehru or Mahatma Gandhi or even Indira Gandhi didn't have that opportunity. But at the young age of 17, 18, people, students learning about her, and that made me so happy. Amazing, honestly. Zindagi mein bahut aur log bhi aate hain jo special role nibhate hain logon ki zindagi mein. And I think main ek aur vyakti ko yahan par bulana chahta hu jo ke Sudha ke parivar se jo hain wo jude hue hain. Aiye sir. He is like Lord Krishna for Arjuna. He's not a driver. He is our sarathi. No, exactly. वो चाचा जो हैं वो सुधा जी आपके साथ कब से हैं? 10-12 साल हो चुके हैं. 10. और मैं ये कहना चाहूंगी रोशन, सेट पे मैं जाती हूँ तो लोग ये नहीं देखते कि सुधा जी आ गई है. चाचा आ गए मतलब सुधा कहीं नजदीक है. मेरी पहचान इनसे बनती है. चाचा के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सुधा जी यू नो लॉस्ट हर मदर टू कैंसर, और उस समय चाचा जो थे इनका बेटा जो था वो भी बहुत ही बीमार था. पर मैं ये जानता हूँ कि ये आते थे उनका ख्याल रखने के लिए, इनकी माँ का ख्याल रखने के लिए. सचमुच मैं बताइए कहने का मतलब हमारा ख्याल वो भी बहुत रखें, इनके पूरा परिवार हमारा ख्याल रखे, मेरे बच्चे का ख्याल रखे और मैं भी रखा है. मतलब ये नहीं हम घर में कोई समझा मैं सुधा जी, मैं इनके हस्बैंड रवि साहब, मैं डैडी कि ये के ड्राइवर है, मैं नौकर है, ऐसा कभी नहीं समझे. ये घर का मेम्बर समझ के मेरा हेल्प किए और अभी भी कर रहे हैं. पर उस समय जब यू नो यू लॉस्ट योर मदर, उस टाइम पर ये आपके पास वहाँ पर थे? बिकॉज खास तौर से मैं आज ये कहना चाहूँगी, मेरे आई हैव इवन हिडन फ्रॉम माई फादर. हॉस्पिटल जाती थी कई बार, मुझे पता चलता था कि हालत बहुत ही नाजुक है, बट मेरे पति मेरे साथ नहीं थे, तब कनाडा में थे. ही इज़ माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. मैं हर चीज़ हर सीक्रेट मैं उस आदमी के साथ शेयर कर सकती हूँ. एंड the day I knew that she was sinking,
I took him and we went to Bandra to make an STD. I didn't want to tell ISD because घर से मैं फोन नहीं करना चाहती थी और बार बार मैं अपने डैडी को तसली देती थी कि नो शी इज़ ओके डोंट वरी हो जाएगा शी इज़ विथ अस बिकॉज आई डेंट वॉन्ट माई फादर टू ब्रेक डाउन ये बोल के मैं गाड़ी में बैठती थी और एक घंटा रोती थी देन आई टू गो फॉर माई शूट एट नो पॉइंट आई वॉन्टेड दैट माई फादर शुड कोलैप्स बिकॉज इफ ही कोलैप्स्ड वी ऑल वुड हैव बीन फिनिश्ड तभी चाचा मेरे को बोलते थे जी भर के रोइए मैडम निकालिए अपने दिल की बड़ास देन यू टू टेक मी टू द शूट देन वाइल कमिंग बैक अगेन आई टू बी क्राइंग ही सेज मैडम घर आ गया चलो चलो आप शांत हो जाओ देन यू नो आई थिंक एज एन एक्ट्रेस द बेस्ट रोल आई प्लेड वॉज वो दो साल जब मेरी माँ सिंग कर रही थी एक जिस दिन मुझे पता चला कि उनको कैंसर है समझ में नहीं आया कि मैं अपने डैडी को आके कैसे बताऊँ कि उनको कैंसर है मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो औरत मेरे साथ कदम कदम पर आगे थी अगर मैं पलट के देखूँ तो दो साल बाद वो मेरे साथ होगी ही नहीं आई डिडंट नो वेयर शी वॉज गोइंग टू एंड वो चीज़ रियलाइज और डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था तो आई थिंक ऐसे कितने सीक्रेट्स हैं जो मैंने चाचा के साथ शेयर किया बट अपने फादर को मैंने कभी ये बताने की कोशिश ही नहीं की बट जब आखिरी वक्त आ गया आई रिमेंबर जब 31st August she died and 30th August I had gone to see an astrologer in Chembur and he had predicted to me, his name is Krishnan. He said, your mother has got 6 hours. 6 ghante mein, tumko jo karna apni maa ke saath, tum kar lo. Kyunki 6 ghante ke baad wo tumhare saath nahi hai. Chacha pulled the car from Chembur SL studio and I reached Parla in 20 minutes flat. Kaun se signal humne tode, humne kya kya humko nahi pata. ऐसे चाचा हमारे पास 6 घंटे हैं माँ हमारे साथ 6 घंटे रहने वाली है मुझे आप घर पहुँचा दीजिए बस ऐसे मैं एक पल भी अपने माँ से दूर नहीं रहना चाहती अभी आई थिंक मेरे सारे टेंशन्स खुशी मैं वही कह रही हूँ कि ही इज़ अ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑफ आर फैमिली मतलब मैं उनको कभी ड्राइवर ये लव्स में नहीं बुला सकती हमारे खानदान में कोई नहीं बुलाएगा उनको चाचा का दर्जा दिया है और वो चाचा ही रहेंगे हमारे लिए जिंदगी भी देखिए कैसे कैसे खेल खेलती है एक रूप में किसी को हमसे छीन लेती है तो दूसरे रूप में किसी और को हमको दे देती है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो नोकिया जीना इसी का जिंदगी के कुछ पड़ाव हम लोगों ने अभी डिस्कस करे उसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो डिस्कस करने वाले हैं हम इन्होंने बीच में कहा था इन्होंने बात कर रही थी चाचा की बात करी अपने पिताजी की बात करी माँ जी की बात करी और फिर एक और नाम भी बीच में लिया था थोड़ा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था तो मैंने कहा कि अपने अगले गेस्ट को यहाँ पर बुला देता हूँ आइए साहब वेरी गुड वेरी गुड My handsome husband. Handsome husband. देखिए वही मतलब इन्होंने full उनको जो थी आप देखिए कुछ लोग होते हैं husband आता है यू होते हैं कुछ लोग यू होते हैं इन्होंने पूरा इनको अभी साहब बताइए कि ये पहली बार आपकी इनसे मुलाकात कब हुई थी सर हम लोगों ने 2-3 फिल्में साथ में की और वो फिल्में करते करते हमारा इश्क मटक्का जो बोलते हैं ना वो हो गया और आई थिंक सुधा 86 की बात है इश्क मटका की बात नहीं थी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट डे मैं गई फिल्म की शूटिंग थी सीता शर्मा सूजी जो कभी बनी नहीं हमारी ज़िंदगी की कहानी पूरी हो गई मैं गई मैंने कहा गुड मॉर्निंग वेरी चर्पी बहुत आदत है उंगली करने की हाय गुड मॉर्निंग तो मैं गई ही वॉज एन AD ऑन द सेट्स एसोसिएट मैंने कहा हाय तो ही वॉज लाइक ही टुक हिज फायर एंड वॉक्ड ऑफ थोड़ी आदमी समझता क्या अपने आपको हीरो समझता है क्या तो आई वेंट आई सेड क्या आपको क्या गुड मॉर्निंग बोलने की किसी ने तमीज़ नहीं सीखा है क्या ही टर्न बैक ही सेड मैं आपको गुड मॉर्निंग कहने का पगार नहीं लेता हूँ या काम करने का पगार लेता हूँ आई सेड है इस आदमी में दम फिर तो आई नेवर लेफ्ट हिज मैन देखते हैं किसी एक व्यक्ति ने तो इनके बारे में कुछ कहा है कट हेलो सुधा जी संतराम सुधा जी मुझे अभी भी एक सीन के बारे में याद है
जब हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे और पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई थी, आप घर छोड़कर भागे थे और उस टाइम पर मैंने आपको भागने के लिए कहा था, आपके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे, आप भाग रहे मैं जोश में आपसे करवाते गया, बट मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मुझे आपको इतना भगाना नहीं चाहिए था, तो आई एम सॉरी। अगर इतने सारे दोस्त कोई वहां से बोल रहा है तो कोई यहां से भी बोले भाई। सर आप भी आ जाइए यहां पे, चलिए आइए। सर कौन है भाई? You know what she said? She said, I fought with Aziz. Yeah, I'm not coming today. Idiot. Kasi, thank you so much. Thank you. Please, baithiye. मैं ये इनको इनको anticipation build हो रहा था कि आप कौन आने वाला है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर आ जाइए। Surprise. आप कौन आ गए? I said देखो, देखो इसे कहते हैं surprise. Thanks यार. हमेशा ये मतलब वो मैं तो आज I just went थोड़े दिन पहले I went for my dubbing and हमने एक बहुत villain और positive negative का scene किया and I couldn't control वहीं से I was SMSing while walking down the stairs मैं सोच गिर नहीं जाऊँ I'm saying मैंने scene देखा दिया वाला you are looking so hot sexy so hot I have no words इनको मतलब director ने कहा दूसरे director आए हुए हमारे यहाँ मनीष and वो सीन कुछ ऐसा था कि मैं वो मेन पेपर जला देती हूँ कि अब आप क्या करेंगी जलाने के बाद मुझे फेंकना था तो वो काफ़ी हवे से उड़ के चला गया एंड शी टुक 2-3 स्टेप्स बिहाइंड आई वाज लाइक ओह शिट मैंने बहुत गलत किया उनके ओएस में मैंने पेपर ऐसे रख लिया मुझे पता नहीं चला मेरा उंगली जल गई वेरी वेरी कोऑपरेटिव आई वाज लाइक ओह शिट ओके बुझा दिया डायरेक्टर आके बोल रहे हैं कि आप बैठ के ऐश उठाना और हम जितने लोग थे हम सब उसको बोल रहे हैं नहीं क्या बोल रहे हो आप उनको बैठने क्यों बोल रहे हो नहीं 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 बाद में उनको रियलाइज हो कि ओ शिट मैंने कुछ गलत कह दिया एंड वो खुद नर्वस हो गए देन शी इज लाइक हाँ बोल फिर क्या करना है एंड हम सब उनको ऐसे देख रहे हैं एंड वी वर लाइक ओ शिट यू नो बिकॉज शी इज अ वन अगर वो अभी यहाँ बैठ भी जाएंगी गिव अ हैंड शी लाइक शी वुड से नहीं शी विल से मैं खुद उठूंगी I get inspired by her, which I have told her always. Umpteen number of times. She's a wonderful dancer. She rocks. But stage आपने सिखाया इनको कि नहीं? Stage पे कभी इनके साथ नहीं करूँगी मैं कभी नहीं करूँगी इनके साथ नहीं मैं इनके साथ मतलब गाना बजना चाहिए she do something like this. Makeup room में भी she's always. All the time she's. इस यूनिक सेटिंग में मैं एक और व्यक्ति को लाने वाला हूं जिससे कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि मैंने उसमें से किसी को मिस कर दिया उस पूरी पिक्चर में से सर आइए यहां प्लीज माय स्वीट ब्रदर ही इज सच अ स्वीट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग प्लेजर प्लीज देखो बताइए आप जब पहली बार इनसे मिले थे क्या आपको आपका इंप्रेशन क्या था वर देयर सम प्रीकंसीव्ड नोशंस पहले से कुछ सोचा था एक्चुअली द प्रीकंसीव्ड नोशंस वर क्रिएटेड बाय द यूनिट 10 दिन पहले बिफोर शी केम रमोला सिकंद आ रही है बोला यार ठीक है यार तो शी विल कम मेकअप रूम खाली करो साफ करो ऑल दिस वाज गोइंग ऑन सो आई वाज लाइक This dynamite is going to come in, and then I met a very simple, straightforward, professional actor. Directors unko direct nahi karte, kyunki ye automatic, jo machines, jo fuzzy logic, you don't have to do anything. To role bola, she has done the whole thing, sahi look diya, sahi emotion diya, so no one says anything. So we come on time, do our work, and go home. It's as simple as that. Yeah. But sometimes she gives retakes. Huh? It's not that all the takes are perfect. We'll talk about And then I'm very we'll happy. Talk outside. Hey, Sister Sudha, you fumbled, no? Yeah. And his highlight is, he'll come and ask me, Sister Sudha, आपकी आँखें इतनी बड़ी-बड़ी कैसी लगती है? मैंने ये shadow लगाया. He'll go back. Ajay, दीदी को जो shadow लगाया मेरे पे भी पोत. भाई इतने सारे यहाँ पर एक्टर्स बैठे हुए हैं एक और व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं
आइए प्लीज प्लीज सर. कौन यार? हाय आलोक जी, कैसे हैं आप? थैंक यू थैंक यू. बताइए आलोक जी, आपने तो के साथ बहुत शोज में काम किया है. हाँ, काफी सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बहुत सारे एपिसोड्स हमने किए हैं. और अगर हम शुरुआत की बात करें तो अगर हम एक अपराजिता सीरियल था, जब सुधा जी मिली तो इन्होंने कहा कि आई एम ए ग्लिसरीन गर्ल, मुझे तो सब रोने धोने के ही किरदार मिलते हैं. तो हमने एक बहुत ही एरोगेंट कैरेक्टर इनको दिया और उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज आलम यह है कि ये षड्यंत्र रचती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हैं और सारे को आर्टिस्ट ग्लिसरीन यूज करते हैं. आई स्टार्टेड माई नेगेटिव रोल विद हिम. अच्छा. अपराजिता में व्हेन आई वाज अ टोटल इमोशनल हीरोइन, ही वाज द ओनली पर्सन एंड ही गेव मी एन आउट एंड आउट नेगेटिव रोल. कोई भी जगह हो, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, हर जगह पर इनके फैंस हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इनके साथ काम करा है, अलग अलग किरदार निभाए हैं. और इनकी न जाने क्या क्या बातें पसंद करते हैं, कुछ और गुप्त बातें यहाँ पर रिवील करेंगे. देखते हैं कौन है. 10 to 15, 20 pages of scenes she used to do in a single shot even without prompting. She has been doing so many Hindi serials and after so many years into Tamil, she did in a single shot and a single take. We're like astonished by her performance. आप साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद करती हैं और अगर आपके co-stars आपके लिए खाना लेके आए तो आपको बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है. तो फेवरेट डिशेस क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि बॉम्बे में हम साउथ इंडियन ज्यादा नहीं खा पाते, तो वहां जाने के बाद 5 दिन के शेड्यूल में हम पहले शेड्यूल में ये डिसाइड करते हैं कि अगले शेड्यूल में कौन कौन क्या क्या लेके आएगा. एंड आई एम द बॉस एंड नलिनी अम्मा इज देयर, शी इज सच अ सीनियर एक्ट्रेस. Nalima, on 25th, you're getting avial, you're getting puliyodrai, like as though like she's one cook who's going to cook and get everything. Next time I go and she's like, Sudha, avial, Sudha, puliyodrai. You feel so sweet. And the gentleman who's playing my father, last time I told him, I said, I want to have this rava ladu. It's very typically South Indian. Yesterday I landed in Chennai and he comes with a dabba bharke. He says, aapke liye. इन्होंने जो चीजों के नाम लिए हैं मैंने थोड़े से याद कर लिए हैं, जरा ऑर्डर करके आता हूं, ज़्यादा देर में वापस आते हैं. और जीना इसी का नाम है, स्टे राइट देयर. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. दोस्तों इतनी सारी बातें हुई, दोस्तों से बातें हुई, परिवार वालों से बातें हुई, बस चंद ही लम्हे बचे हैं. हमने कहा कि क्यों ना इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए. कोई और व्यक्ति है बहुत दूर से जिन्होंने हमें एक मैसेज भेजा. I have one great message for you from your Pichu Mama. I admire her for her never say die attitude, her willpower to overcome fate destiny. I look at her as my role model whenever I am confronted with my major problems. Last but not least, she is a very good human being. We love you. I think my mamas have been so important in my life. My mom's youngest brother, 5 baje uthta tha wo. Samne wo Vijay Hospital ke samne, there used to be this tea stall. Dard mein main cheekhti raho raat bhar, 4 baje coffee chahiye. To wo bichara niche jata tha, mere liye coffee leke aata tha. I've been very lucky, I think my immediate family to hai hi. But jahan mere maternal aur mere paternal hai, they've all been a pillar of, you know, they've been moral boosters in my life. Aapki zindagi mein mujhe yahan par bahut sare chehre nazar aa rahe hain. अगर आप इस समय विश कर पाती तो किन किन को यहाँ पर चाहती हैं? दो शख्स, डॉक्टर डेरिक डिसूजा, डॉक्टर पीके सेठी. बिकॉज मैं यही कहती हूँ कि दिस फाउंडेशन हैज़ बीन लेड बाय देम. जो एक पुनर्जन्म मैं कहती हूँ अपने आप को 81 के बाद, आई थिंक द फाउंडेशन वॉज डॉक्टर डेरिक डिसूजा. उन्होंने मुझे हंसना सिखाया, रोना सिखाया, चलना सिखाया. मतलब मैं अपने आप को एक बच्ची समझती थी उनके हाथ में. एंड आई रिमेंबर कि शायद बचपन में मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी माँ उंगली पकड़ के कैसे चलाती थी, शायद मुझे याद नहीं है. लेकिन 16 साल की उम्र में मैंने ये देखा, एक माँ के ज़रिए नहीं लेकिन एक डॉक्टर के ज़रिए, वो मेरी उंगली पकड़ पकड़ के मुझे चलाते थे. मतलब मैं ये डॉक्टर पेशेंट का रिश्ता नहीं था, ये कुछ अलग ही था. इट वॉज अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप. आई थिंक आई डोंट नो एंड ही केम फ्रॉम जर्मनी. जब मैं हॉस्पिटल से आई थी, वॉज पोस्टेड इन जर्मनी, तो वहाँ से मेरे लिए एक टॉबल ऑन चॉकलेट लेकर आए थे मेरे लिए. ही सेड दिस आई बॉट फॉर यू फ्रॉम जर्मनी. उफ, हाउ आई विश ही वाज़ हियर. सुधा जी, हमने अपने लास्ट सेगमेंट आपके लिए एज अ रियल स्पेशल सरप्राइज रखा था, एक
मैसेज है लेकिन वो लाइव यहां पर आपके लिए लेके आए, देखते हैं। How many years do you have not changed? Come on, I'm You're not still looking so handsome. thank you. Dr. So Derek D'Souza, ladies and gentlemen. Thank you so much. Doctor, thank you. Thank you so much for coming here. It's my pleasure. It's my pleasure for a great woman. No, he made me a great woman. Come on. He made me a great woman. So? I owe this life to him. Yes, you know it. No, I don't. You know it, of course. All that he did was so unintentional. But it's only because of him, I'm telling you, I'm walking, I'm talking. It's a rebirth, which I, in this life is his. You know, इन्होंने कहा था कि दो लोग थे जिन्होंने इनकी जिंदगी में ऐसा एक रोल अदा करा था, एक डॉक्टर D'Souza थे, दूसरे व्यक्ति जो थे न जाने इस समय कहां पर होंगे, लेकिन अगर दिल में जगह हो तो कभी कभार पैगाम पहुंच ही जाते। हेलो सुधा, समवेयर अराउंड 1981, दैट वाज द ईयर आई हैड रिसीव्ड द मैग्सेसे अवार्ड एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड हैविंग रेड दैट यू केम टू मी विद योर मदर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन यू वांटेड टू आस्क मी वाज कैन आई डांस And I remember I said, why not? This was a bit of a surprise to her. So we fitted a limb and she went back to Bombay. She had a lot of initial difficulty because every time she will dance, her stump will be painful. Occasionally it will bleed. But then you kept on and finally you were able to dance satisfactorily. Now this sort of depends on the amount of courage and determination that you showed. So ultimately the credit is all yours. क्या जिंदगी बनाई है और क्या जिंदगी जी रही हैं आप सब के लिए मुझे लगता है कि she is a source of great inspiration. अपने co-actors के लिए a source of great energy, a source of great learning और सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और मैं चाहता हूं कि इस समय इन सारे दोस्तों को परिवार के सदस्यों को चाचा सब लोगों को यहां पर बुलाऊं कि वो यहां पर आएं और सुधा के साथ एक ऐसा मोमेंट हम लोग कैप्चर करें जो जिंदगी भर उनको याद रहेगा और आप सबको याद रहेगा और आप सब कह सकेंगे कि वाकई जीना इसी का नाम आइए कहीं दोस्ती के रिश्ते कहीं चाहतों के किस्से कहीं हल्के फुल्के रंजिश ये भी प्यार के थे हिस्से यादों में जो ये चांद है आंखों में जो ये ख्वाब है कभी छाओ है कभी तो देखा दोस्तों जिंदगी कैसे जी जाती है सचमुच आज जो देखा वो पहले कभी नहीं देखा था और शायद इसीलिए हमारा शो आपके लिए इतना स्पेशल है दोस्तों शुरुआत में मैंने कहा था कि कभी लगता है ऊपर वाला जो है कुछ पासा ऐसा फेंकता है कि चाल अलग सी हो जाती है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं है ये खेल है जो मैं खुद चल के खुद तय करूंगा मंजिल तक जाऊंगा ऐसी ही मंजिल तक पहुंची हैं और न जाने कितने और मकाम अभी इनको पाने हैं ये हैं सुधा चंद्रन और वाकई इनको देख कर आज हम सबको यही कहना चाहिए कि सचमुच जीना इसी का नाम है